हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं पेपर पर चार कली पेटीकोट का कटिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, ये हमने पेपर लिया है। इस पेपर को पेपर मत समझिए दोस्तों, इस पेपर को आप समझिए कि ही कपड़ा है 2 मीटर का। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए इस कपड़े को पूरा खोलेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी, और दोस्तों बेल्ट की चौड़ाई 5 इंच रखूंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 इंच चौड़ा बेल्ट की कटिंग करूंगी, तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ से भी 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद इस लाइन को सीधा ड्रॉ करके और यहाँ से ये बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो डोरी के लिए कपड़ा यहाँ से लंबाई साइड से निकाली जाती है, तो यहाँ से 1.5 इंच चौड़ा नारा के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई और ये नारा की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों, ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे डबल में रखूँगी। चार कली पेटीकोट की कटिंग कभी भी डबल कपड़े पर की जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पेपर को डबल करके रखी हूँ। इसके बाद लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, पेटीकोट का जितना भी लंबाई रहती है सेम उतना ही लंबाई रखें। मान लीजिए पेटीकोट 35 इंच लंबा बना रहे हैं, तो 35 इंच ही लंबाई रखें। नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग में जाता है और 0.5 इंच ऊपर सिलाई में जाता है, तो यहाँ से 2 इंच कपड़ा घट जाता है और 2 इंच की हमारी बेल्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का चौथा हिस्सा निकाल करके निशान लगाएंगे। मान लीजिए कमर है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा निकालूँगी तो आएगा 9 इंच। तो इस तरह से पहले 9 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई मार्जिन के लिए और लूजिंग के लिए 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से अब इसी तरह से अब इस दूसरे कोने पर यानी यहाँ पर भी 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों इन दोनों निशानों को एक साथ मिला दूँगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्किंग हो गई है। इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करना चाहो तो कर सकते हैं, या नहीं तो इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर जो ज्वाइंट है तो इसे भी खोल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पेटीकोट की कटिंग हो गई है। यहाँ से 2 पार्ट निकल गया और यहाँ से भी 2 पार्ट निकल गया। अब इसे ये हमारा कमर आज हो जाएगा और इधर का ये कमर है, तो इसे कमर को एक साइड रखूँगी इस तरह से। देखिए दोस्तों, एक साथ चारों कली को रखने के बाद इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करूँगी ऊपर नीचे। बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे बराबर से कटिंग कर लूँगी और नीचे से भी कटिंग कर लूँगी इसी तरह से गोलाई के साथ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारी चार कली पेटीकोट की कटिंग हो गई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी चार कली पेटीकोट की कटिंग हो गई है पेपर पर। अब इसे इस तरह से ज्वाइंट करूंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी चार कली पेटीकोट की कटिंग हो गई है। ये हमारा चारों कली हो गया और ये बेल्ट और ये नारा के लिए कपड़ा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में।